हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है एसएससी रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये आपके एसएससी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों, आपको अगर जवाब याद है कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, कुछ नहीं करना, जो क्रय मूल्य दे रखा है इसको विक्रय बना ले और जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बना ले, बस इतना याद रखें। तो पहले विक्रय वाले को क्रय बनाएंगे। क्रय यानी कि सीपी, कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस कितनी होगी आपकी? 15। अब इसको विक्रय बनाएंगे, सेलिंग प्राइस ये हो जाएगी आपकी 9। अब आपको कोई चीज़ 15 में खरीदी और 9 में बेची तो आपको नुकसान हो गया। कितने रुपये नुकसान हुआ? तो 15 में से 9 हो गए तो कितने बचे? 6/15 आपको होगी दोस्तों हानि। हानि प्रतिशत निकालना है तो जो 6/15 × 100 1, तो 3 × 6 = 15, 5 से काटा 5 × 10, 20 × 40, यानी कि 40% आपको हानि हो गई। कितनी हानि हुई आपको? 40% की हानि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी दुकानदार ने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे और 11 रुपये में 10 पेन बेच दी तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो पहले सीपी और सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस यानी कि 10 रुपये में कितने खरीदे उसने? 11, और 11 रुपये में 10 बेचे, हमें 10 बेचे, इसका गलत है क्रॉस गुणा ऐसे। तो 10 × 10 कितना हुआ? 100, और 11 × 11 = 121, तो 100 में ख़रीदा और 121 में बेचा तो इसको 21 रुपये का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत। तो 21/100 × 100/1, 100 से 100 कट गया यानी कि 21% का इसको लाभ हो गया। ठीक है, आई होप के सामने आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगले क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया कि ए अनुपात बी बराबर 5:9 और बी अनुपात सी बराबर 6:11, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखो कि ए अनुपात बी तो a/b और बी अनुपात सी तो b/c कर लेंगे। तो बी से भी कट गया, आपका क्या बचा यहाँ पे? a/c बचा, और a/b का मतलब 5/9 और b/c का मतलब 6/11, तो 3 से काटो 3 × 3 = 9 × 3 = 6 × 5 = 10 × 11 = 33, तो ए अनुपात सी बराबर 10/33, ए अनुपात सी का मान हो गया। अब इसने पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना कीजिए, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है अपने दोस्तों? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी है ना, इसका मान निकालना अपनों को है ना। तो ए अनुपात बी का मान क्या है? 5:9 और बी अनुपात सी का मान 6:11, तो ये निकालने 6:11। अब ये 6 इधर आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो ये 9 इधर आ जाएगा। ठीक, अब बराबर टर्म्स हो गए, 6 × 5 = 30, 9 × 6 = 54, 11 × 9 = 99। अब 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 10, और 3 × 3 = 24, और 3 × 3 =
दस अनुपात, देखो इसका उत्तर हो जाएगा 10:18:33। ठीक, अगला देखिए 5:9:12 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ मतलब चौथा, देखो 5:9:12:x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/9 और बराबर 12/x हो जाएगा, और x का गुणा इधर, तो देखो 5x बराबर 12×9 हो जाएगा, और x निकालेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा, 12×9=108/5, 5×2=10, 5×1=5 और 3 रखी दे, राखी दे यहाँ ऊपर मत पढ़, 5×6=30, तो 21:6। अगला क्वेश्चन देखिए 18:24 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 18:24:24x है ना, तो देखो 18/24=24/x, तो x बराबर होगा 24×24/18, 6×3=18, 6×6=24, और 3×3=24, 8×6=32, इसका मान कितना हो जाएगा 32 इज द राइट आंसर। अगला देखिए 6 और 24 का मध्य अनुपात, देखो मध्य अनुपात मतलब तो बीच में, तो देखो 6:1 बिल्कुल बेसिक से समानुपात x 24, तो इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा, तो x² = 6×24 और x = 24×144, और ये रूट में लग जाएगा, इसका मान निकला कितना आएगा 12, तो मध्य अनुपात कितना हो गया 12 हो गया। अगला देखिए 952 को ए अनुपात, बी अनुपात, सी के अनुपात में 17:37:18:33:13 के अनुपात में बांटिए, तो कैसे बांटेंगे देखो, देखो दोस्तों देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी 37:18:13, इन तीनों को जोड़ दो है ना, तो 8×3=11, 7×7=18 का 8 हासिला, 1×2=3×3=6=68। अब अपने को ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालने के लिए 952 × a का अनुपात कितना है 37 वाला, 1/ ये अनुपातिक वैल्यू है 68, कितनी बार कटेगा 17×68 और 17×85 और 10 और 17×6=102 और 16×4 14×6=56 14×37, तो 17×14=98 14×3=42 9×2=11, 1×4=5, 518 ए का मान कितना आ गया 518 आ गया। इसी तरह बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो बी का मान निकालेंगे तो ये पूरा कट रहा है, यानी कि बी का अनुपात कितना है अपने 18
37 है ना, इसका मान 14 आया था, 37 दूसरा मान, तो ये 18 इंटू 14 आएगा, तो 18 चौक 72 का 2 7 और 18 का 18 7 25 252। इसी तरह सी का अनुपात निकालेंगे तो ये तो आएगा अपना 14 इंटू 13, तो 14 3 42 का 2 4 14 4 18 182। ये बी सी तीनों का मान अपने पास आ गया, ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा।